दिस इज पंकज राणा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल मैथ विद पंकज राणा। और देखो बच्चों, आज हम थोड़ा सा स्पेशल पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है ना, जो आपको एंगल्स की वैल्यू साइन 30, साइन 45 या साइन 60, इस तरह से कुछ दिक्कत होती है बच्चों को। कुछ बच्चे तो ईजिली अर्न कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर थोड़ी ट्रिक्स चाहिए जिससे थोड़ा हमारा ईजी हो जाए। तो थोड़ी ट्राई कर रहे हैं, ये हेल्पफुल होगी उन बच्चों के लिए जिसको थोड़ा लर्न करने में दिक्कत आती है। तो आपको करना क्या है, तो ये इजी सी ट्रिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद करना है आपको, आपको लेफ्ट हैंड लोगे, लेफ्ट हैंड आपको ऐसे ड्रॉ करना है, एक ड्राइंग बनानी है आपको थोड़ी सी आपको ये हो गया हमारा, ठीक है ना। तो हमें स्टार्ट करना है बिलो वाली फिंगर से, लास्ट सबसे पहले फिंगर से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री और 90 डिग्री। सपोज अब मैं थोड़ा सा दो फॉर्मूले लिखूंगा, मैं छोटे से फॉर्मूले हैं वो आपको देखते ही आप टेबल आराम से बना सकते हो। देखो मैंने लिखा है, जब कभी भी आपको साइन की कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो आपको फॉर्मूला रखना है अंडर रूट बिलो फिंगर अपॉन टू, ठीक है ना, समझ रहे हो बात। अब देखो जैसे कि मेरे को साइन 0 डिग्री चाहिए, बिलो फिंगर का मतलब क्या है अभी मैं बताता हूँ आपको, कि जैसे कि मेरे को 0 डिग्री एंगल चाहिए कि साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री, बिलो फिंगर का मतलब 0 इस वाली फिंगर पे, फिंगर जहाँ 0 डिग्री है उसके नीचे कोई फिंगर है, कोई भी फिंगर नहीं है, इसका मतलब 0 फिंगर। तो आप क्या करोगे, साइन 0 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट में 0 रखोगे क्योंकि कोई भी फिंगर 0 डिग्री वाली फिंगर के नीचे नहीं है, तो ठीक है अपॉन टू। तो यहाँ से क्या आएगा, रूट 0 तो 0 अपॉन टू यानी 0, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। लेट अस हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि साइन 60 डिग्री ले लिया आपने, ठीक है ना, लेट्स चेक द एंगल 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कहाँ पर आएगा, ये रहा 60 डिग्री, बिलो फिंगर मीन्स 60 डिग्री के नीचे कितने फिंगर है, 1, 2, 3, तो आप अंडर रूट में 3 रखोगे यहाँ पे और अपॉन में 2 रखना ही रखना है, साइन 60 की वैल्यू यही होती है हमारी, थोड़ा तो थोड़ा सा हेल्प करेगा ये। तो ये है साइन की वैल्यू निकालने का तरीका। अब बात करते हैं कोस, कोस की कोई भी वैल्यू निकालनी है 0 डिग्री 30 डिग्री, तो क्या लिखोगे आप, अंडर रूट सेम, इसमें बिलो फिंगर तो उसमें अबव फिंगर, अबव फिंगर ले लोगे आप अपॉन सेम, इसमें आपने चेंज किया है बस। जैसे कि मेरे को साइन कोस 0 डिग्री का चाहिए कितना डिग्री होता है, तो मेरे को कोस 0 डिग्री, अब देखो ये 0 डिग्री, इसके अबव में कितनी फिगर है, 1, 2, 3, 4, तो हम लिखेंगे अंडर रूट, कितनी फिगर फिंगर आई, 4 अपॉन 2, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 और 2 से 2 कैंसिल तो 1। देखो कोस 0 डिग्री आपको कितना एंगल देता है, 1, तो अगर कहीं एग्ज़ाम वगैरह में आप मिस हो जाता है या फिर व्यू आप वैल्यू भूल जाते हो, कोई भी चीज़ फॉरगेट हो जाती है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, तो आप एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। चलो एक एंगल और निकाल लेते हैं, जैसे कि कोस 60 डिग्री की वैल्यू हम निकालते हैं। अब आपको ही बताना है, आप सब लोगों को बताओ 60 डिग्री, अच्छा कोस 60 हमने निकाला क्या, नहीं ये रहा कोस 60, अबव द फिंगर कोस 60 वाली जो फिंगर है 60 डिग्री फिंगर है उसके अबव में कितनी फिंगर है, 1, तो अंडर रूट में 1 पुट करोगे आप अपॉन 2, अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन 2 और ये आपका आंसर हो गया, कोस 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2। तो ये थोड़ा सा एफर्ट लगाया था हमने, वैसे तुम पहले जानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चा नहीं जानता तो उसको नोट कर सकता है और अपनी स्किल्स थोड़ा बढ़ा सकता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।